स्वागत है आपका, मैं हूँ सार्थक और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। फिल्म बधाई हो की एक्ट्रेस नीना गुप्ता इन दिनों अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूँ तो को लेकर काफी ज्यादा चर्चे में बनी हुई हैं और हर कोई अभी उनके किताब की किस्से सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहा है। माँ बनने से लेकर शादी तक के अपने सफर को नीना गुप्ता ने इसमें समेट दिया है और अच्छे से डिस्क्रिप्शन में बताया है। ऐसे में अब नीना गुप्ता ने अपने ऑटोबायोग्राफी में डायरेक्टर सुभाष घई से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है जिसमें उन्हें बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई थी। नीना गुप्ता के मुताबिक उन्होंने जब चोली के पीछे गाने को सुना था तो उन्हें ये सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था और उन्होंने गाने के लिए फौरन हाँ कर दी थी। नीना गुप्ता ने अपनी किताब में लिखा है कि गाने के लिए मुझे गुजराती बंजारे वाले कपड़े पहनने थे और लुक टेस्ट के लिए सुभाष घई के पास भेजा गया था। सुभाष घई ने जैसे ही मुझे देखा तो चिल्लाते हुए बोले, नहीं नहीं कुछ भरो। ये बात सुनकर मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। मुझे लगा कि सुभाष गई मेरे चोली का जिक्र कर रहे हैं। मुझे पता था ये पर्सनल नहीं है और उनका दिमाग में कुछ और इमेज बन गई होगी। नीना गुप्ता ने आगे लिखा है कि अगले दिन मुझे सुभाष गई के सामने दूसरी ड्रेस में ले जाया गया। मुझे ऐसी ब्रा पहनाई गई जिसमें भारी पैड लगे थे। इसके बाद मेरा ये लुक फाइनल हो गया। सुभाष गई क्या देखना चाहते थे इसको लेकर उनका माइंड एकदम क्लियर था। यही वजह है कि वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।